नमस्कार, ओम शांति ते नाले सत श्री अकाल। अज फिर तुहाडे सतगुरु करता पुरख च असी अपने अनुभवी भाई नूं लैके आए हैं, जिन्हां दा नाम है निर्वेर भाई साहब। उन्हां दे अनुभव तुसी सुनिया भी करदे, तुसी अपने प्रश्न सानूं देंदे ईमेल द्वारा, वट्सएप द्वारा, उन्हां नूं प्रश्न उन्हां दे अगे रखदे तां उहदा हल उह सानूं करके देंदे। मैनूं उम्मीद है तुहानूं इह प्रोग्राम बहुत सोहणा लगदा होणा। आइए स्वागत करते हैं सतगुरु करता पुरख च साढ़े निर्वेर भाई साहब का। भाई साहब, थोड़ा इस सतगुरु करता पुरख च बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सत श्री अकाल, ओम शांति। सुनने वालों नू सारियां नू मेरी दिलों ईश्वरी याद प्यार, ओम शांति। हाँ जी भाजी, अज पहला क्वेश्चन ये है कि यह है चंडीगढ़ ते विशाल भाई, वो बोलते कि मैं योग भी करता, मैं एक साल हो गए ज्ञान च आए हुए, तो मैं बहुत एकाग्रचित होकर योग करता लेकिन हो नहीं पाता, मन भटकता मेरा, ये किदा होंदा, किदा असी इनू कंट्रोल करिए? मन नू अगर तुसी एक छोटे बच्चे की तरह समझो तो छोटे बच्चे नू तुसी कोई ना कोई खिलौना, कोई ना कोई चीज़ दिंदे जाणगे, ते वो बच्चा उहदे नाल खेलदा रहेगा ते होर गल्लां तो दूर हो जाएगा। इस तरह ही तुसी अपने मन नू एकाग्र करना वो बड़ी गल नहीं है, लेकिन उन्हूं बड़े शुभ विचार देना, बड़े प्यार नाल अपने मन नाल गल करनी है, जिस तरह छोटे बच्चे नाल गल करी दी है, और उन्हूं प्यार नाल यही समझाना ही कि ये जिहड़ा टाइम है हुण, मैं ते देखो परमात्मा दी याद च बैठा होया ही, और ये टाइम मेरा बड़ा कीमती टाइम है, ते हुण मेरी थोड़ी मन लो, जो मैं चाहना ही उहदे च मेरा सहयोग दिओ, तो वह बच्चा तुहानूं सहयोग देगा, तो तुहाडा मन फिर जिथे तुसी लगाना चाहुंदे हो, शिव बाबा दे नाल लगाना चाहुंदे हो तो परम धाम च ले जाणगे हो, और अगर तुसी सूक्ष्म वतन च लगाना चाहुंदे हो तो सूक्ष्म वतन च ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दे दोनों दे सामने आ जाणगे हो। लेकिन जदों तुसी अपने मन नूं फ्री छड्डणगे हो तो उन्हू कोई काम नहीं होएगा, तो वो कभी किते जाएगा, कभी किते जाएगा। इस करके तुहानू केड़ी चीज़ च सुख मिलता ही वो सोचो, सच्चा सुख मिलता ही सुख दे सागर परम पिता परमात्मा शिव दी याद च मन लगाउण च, उहदे वास्ते शिव बाबा दे नाल प्यार नाल गल करो तुसी, ते तुहाडा मन आराम नाल लग जाएगा, किते नहीं जाएगा। जी पाजी, पाजी ये पटियाला ते एक माता है, वो काफ़ी समय ते ज्ञान च चले वे, लेकिन वो बोलते कि ये हिसाब किताब किदा चुकतू होने, या बीमारी नाल या परिवार दे संबंध नाल, मेरा बेटा है मैनू परेशान करदा, वो हिसाब किताब है या कुछ होर चीज़ है, ओनू हिसाब किताब बोलते? हिसाब किताब समझणगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर तुसी उन्हों सेवा समझ करके कि भावें बच्चा ही भावें होर घर दे दूसरे संबंधी हैगे है, इन्हां दी सच्ची ईश्वरी सेवा करनी है मैं, तो उहदे वास्ते थोड़ा कुछ गल्लां दा त्याग करना पैंदा ही। तुहानूं जिहड़ियां बहुत गल्लां अच्छियां लगदियां उहनां नूं नहीं अच्छियां लगदियां, तो इस करके उस वेले थोड़ा अपने आप नूं मोल्ड करना जरूरी है, और उन्हां दी गल तुसी रखणगे हो तो वो तुहाडी गल रखणगे, नहीं तो फिर तुसी देख रहे हो की हुंदा ही। तो इस करके बड़ा ही सहज तरीका ही कि तुसी बड़े प्यार नाल बच्चों नूं घर वालियां नूं खाना पीना अच्छा बना के खिलाओ पिलाओ, शिव बाबा दी याद च रह करके वो बनाओ, तो अन्न दा मन ते असर होएगा, उन्हां दा भी मन शिव बाबा दी तरफ लगना शुरू हो जाएगा, ते तुहाडी इह समस्या दा हल हो जाएगा। जी भाजी, अगला प्रश्न है
कि जरूरी है कि ज्ञान चो विघन आंदे या फिर भगती मार्ग चो भी विघन आंदे? विघन शब्द जेड़ा ही ना, विघन आंदे ही है हिसाब किताब दे कारण। किसे ना किसे जन्म दा कोई रहस्य हिसाब किताब जेड़ा होएगा वो किते ना किते साडे सामने जरूर आएगा। तो इस करके वो भक्ति और ज्ञान दोनों च ही हिसाब किताब लोगों का बनिया होया ही, और उन्हों चुकतू करने वास्ते हुण सानू पता लग्या। जिस तरह असी बाबा दे महावाक्य सुनते हैं ईश्वरी ज्ञान दे मुरली दे द्वारा, तो साफ बाबा कह रहा है कि तुसी हुण जिन्ना परमात्मा दे नाल मन लगाउणगे हो, शिव बाबा दे नाल मन लगाउणगे हो, तो तुहाडा जिहड़ा हिसाब किताब है वो सूली तो कांटा हो जाएगा, कांटे तो फूल बन जाएगा। वो पुरशार्थ करके देखना चाहिए ही, अच्छी तरह प्यार नाल बाबा दे नाल मन लगा के उहदे च अच्छी तरह खो जाओ। बड़ा प्यार नाल बाबा नूं याद करदे करदे कोई गीत गा लो, कोई कविता सुना दिओ बाबा नूं, जिहदे नाल तुहाडा मन जिहड़ा होर बाबा दी याद च ऊंचाइयां च चला जाए। तो जिन्ना तुसी ऊंचाई च जाणगे हो उन्ना ये नीचे दियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां इहदे तों फ्री हो जाणगे हो। जी भाजी, भाजी एक भाई है वह बोलते कि दुनिया वाले देवता नूं भगवान मतलब मनदे, लेकिन जिहड़ा साडा ब्रह्मा कुमारी दा ज्ञान है वह बोलते कि देवताएं भगवान नहीं होंदे, तो देवता ते भगवान च की अंतर पऊगा? वैसे तो देवता नूं भी भगवान कहिंदे आ, ऐसा नहीं कि नहीं कहिंदे आ, लेकिन असी जिहड़ा भगवान शब्द असी जिहदे वास्ते यूज़ करते हैं वो परम पिता परमात्मा दे बारे च, वो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी परम पिता हैगे है, देवी देवत्यां दे भी परम पिता हैगे है। इस करके थोड़ा जा ये फर्क अपने दिल च रखना चाहिदा ही कि असी याद करिए सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव नूं, और लक्ष्य रखिए मनुष्य तो देवता बन। देवत्यां नूं भी भगवान भगवती बाबा कहिंदे सी, तो इस करके एक ईश्वरी ज्ञान जिहड़ा ई मनुष्य नूं भगवान भगवती बनाउण वास्ते हैगा। श्री लक्ष्मी भगवती, श्री नारायण भगवान, लेकिन जो भगवान तुसी जिहड़ा सोचदे हो सर्वशक्तिवान परमात्मा, वो शिव निराकार पिता परमात्मा है। तो वो फर्क नूं थोड़ा जिहा अपने मन च क्लीयर रखी जी। तो उन्हें नाले एक क्वेश्चन किया कि सत्कर्म किनू बोलते, सत्कर्म क्या हो सकता? सत्कर्म श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म जो भी है, वो जितना तुसी आत्म स्वरूप च स्थित हो करके परमात्मा पिता दी याद च मन लगा करके, और जो परमात्मा दे असूल है गया है, पवित्रता दा असूल है, शांति दा असूल है, प्रेम दा असूल है, निस्वार्थ भाव दा प्रेम, और दूसरियां दी सेवा दी भावना दा असूल है, अगर उन्हां असूलां दे आधार ते तुसी कोई भी सेवा करनगे हो ते ओ तुहानू सदा सुख देगा। जी भाजी, संगम ते सत्कर्म ते नाले कलयुग च पाप कर्म। जदों तई ज्ञान नहीं है तो ये पता ही नहीं लगता कि असी सत्कर्म कर रहे हैं या असत्य कर्म कर रहे हैं। इस करके हुण सानू वी आर वेरी फॉर्चुनेट, बहुत असी खुशकिस्मत है गए हैं कि सानू परम पिता परमात्मा स्वयं कर्म अकर्म विकर्म श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान के आधार से असी
शिव बाबा की याद च रह करके जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म हो जाता है। अगर असी माया दे वश हो करके पंज विकारां दे वश हो करके कर्म करांगे तो वह विकर्म हो जाता है। तो विकर्म करन दा फल तुसी जानते ही हो, दुख मिलेगा। और उहदे भेंट च जदों असी शिव बाबा की याद च रह करके अच्छे भावना नाल शुभ भावना नाल सेवा करांगे या जो कर्म करांगे तो उहदा फल सानू शांति भी देगा, सुख भी देगा। जी पाजी, पाजी एक कुड़ी है वो आगरा ते है, वो बोलते मैं ज्ञान च चलदी ते बाबा बार बार मूली च बोलते कि हर चीज़ की परख होनी चाहिए, ते सही गलत की परख किदा करिए? असी अपनी परख शक्ति नू वधाओ, जितना तुसी शिव बाबा दे नाल मन लगाओगे तो उतनी तुहाडी बुद्धि जिहड़ी है उहदे च परख शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि परख शक्ति बड़ी जरूरी है। अगर तुहानू ये परख नहीं होएगी कि सत है या सत है, ये तुहानू कोई आ करके कहे सच्चे सोने दे जेवर तुहानू दे रहे हैं और होन वो सारे ही पीतल दे जेवर, इस तरह ही हीरे जवाहरात है पत्थर उठा के तुहानू चमका करके दे देन, कहणगे ये हीरे है और वह हीरे होंदे नहीं पत्थर होंदे है। तो इस करके अपनी बुद्धि नू बड़ा स्वच्छ बनाना जरूरी है। जितनी स्वच्छता होएगी, जितनी पवित्रता बुद्धि च होएगी, उतनी तुहाडी परख शक्ति वध जाएगी। तुसी समझ सकणगे हो कि राइट है या रोंग है। जी भाजी, भाजी एक युगल है वो दोनों ही जॉब कर दे नौकरी कर दे, ते ओ बोल दे कि मैं सवेरे ते शाम तक नौकरी कर दे ते नाले शाम नू ट्यूशन भी पढ़ाते, तो बाबा बोल दे दिन भर च 8 घंटा मैनू याद करो, तो ओ मैं किदां करा? जदों तुसी कोई भी काम शुरू कर दो पढ़ाउण दा, भावें स्कूल च भावें कॉलेज च भावें ट्यूशन च, तो शुरू करन तो पहले शिव बाबा नूं याद करके आवाहन करो, बाबा हुण असीं इह काम शुरू कर रहे हैं, तुसीं आओ मेरे नाल ताकि मैं अपने काम च बिल्कुल एक्यूरेट काम कर सकां। ते तुसीं देखो तुहाडी याद किस तरह वध जांदी है। 8 घंटे ते क्या तुहानूं 24 घंटे दूसरी कोई गल ही बुद्धि च नहीं आएगी, हर समय हर कदम ते बाबा तुहाडे नाल फील होएगा और तुसी इन्हां चिंता तो दूर हो जाणगे कि मैं 8 घंटे करनी है या 6 घंटे करनी है। वो बैठ करके तपस्या करनी वो अलग चीज़ है और वो ते तुहानूं फुरसत मिल सकती है जदों छुट्टियां होंदियां ही, जदों तुसी स्कूल च जा के नहीं पढ़ाउणा ही या कॉलेज च जा के नहीं पढ़ाउणा ही। अजकल जिस तरह लॉकडाउन दे जमाने च घरों ही सब कुछ कर दे हो, तो ऑनलाइन कितना टाइम कर दे हो, ऑनलाइन थोड़ा टाइम करके बाकी तो टाइम सारा तुहाडा अपना हैगा, तो होर व्यर्थ गल्लां टीवी ते देखण दी बजाए एकांतवासी बन के शिव बाबा दे नाल मन लगा करके उहदा आनंद लो, तो तुहानूं पता लगे भई सचमुच परमात्मा आनंद दा सागर है, साडे जीवन च कितना आनंद आ जांदा उहदे ते। जी भाजी, भाजी एक माता है वो बोलते कि ज्ञान च जिदा असं ज्ञान च चलते हैं जोड़े साढ़े लौकिक संबंधी हैं उन्होंने असं साडा व्यवहार किदा होना चाहिए, क्योंकि बेटा है कदे गुस्सा कर देता, बहू है वह भी गुस्सा कर, उन्हें कि व्यवहार रखे? असी बाबा को एक गल सीखी है, बाबा दे भी बच्चे सी बहू सी सब सही साकार बाबा ब्रह्मा बाबा जी जी, ते बाबा सब बच्चों नू जिस तरह दूसरे जिज्ञासु कहो या जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जिस तरह उन्होंने प्यार देंदे सी उस तरह ही अपने बहू नू बेटे नू उन्हां दे बच्चों नू बहुत प्यार देंदे सी। क्यों बच्चों नू चाहिदा की है
बच्चे अपना कमाते हैं खाते हैं उन्होंने तुहाडे पैसे की कोई जरूरत नहीं होंगी। लेकिन आज दी दुनिया च एक ही चीज़ है जिहदी बहुत डिमांड रहिंदी है कि साढ़े नाल कोई प्यार ना गल नहीं करता। असी इतना का मेहनत करते हैं उन्हों कोई एप्रीशिएट नहीं करता कि तुसी इतनी सेवा कर सकते हो। जो कुछ कोई सेवा कर रहे उहदी एप्रीसीएशन तुहाडे मन च होए और उन्हों तुसी एक्सप्रेस करो क्या तुसी बहुत अच्छा काम किया। बहू नूं कहो अज तुसी बहुत अच्छा भोजन बनाया, लगता ही तुसी बाबा दी याद च रह करके बनाया, जे ये लग रहा है जिस तरह प्रसाद बना के खिला रहे हो। इस तरह उन्हां दी महिमा करो, उन्हां दी तारीफ करो, उन्हां दी एप्रीसीएशन करो, तो तुसी देखणगे हो सारा ही वायुमंडल चेंज हो जाएगा। जी पाजी, पाजी बहुत छोटी कुड़ी है, वो बोलती कि मैं अपनी मम्मी नाल ज्ञान च चलती, लेकिन कई वेला मैं गलती नहीं करना चाहती लेकिन फिर भी हो जाती और मम्मी मैनू डांटती, इहदा कारण क्या है? तो छोटी है ना तो छोटी अगर कोई गलती ना करे तो होर कौन करेगा, वड्डे थोड़ा फिर करनगे। इस करके कहा जाता है टू एर इज ह्यूमन, गलती करना वो कोई वड्डी गल नहीं है, इंसान दी फितरत है। लेकिन थोड़ा जा इहदे उपर ध्यान देईदा ही कि गलती करके मैनू फायदा की होया। अगर वो तो कोई फायदा नहीं हुंदा तो फिर गलती क्यों करिए असी। और बाबा कहिंदा ही ना, मम्मा भी कहिंदी सी, मातेश्वरी सरस्वती भी कहिंदी सी कि गलती करना वड्डी गल नहीं है, इंसान तो गलती हो जाती है। लेकिन गलती करन अगर हो गई तो वो तो सीखना चाहिए, उहदे बारे च सोचना चाहिए कि ये गलती करन तो बाद मैनू कोई फायदा नहीं होया, नुकसान हो गया, अगे वास्ते अपना ध्यान रखीदा ही। तो जो बीत गया उन्हों भुल जाना ड्रामा, और अगे वास्ते अपने आप नू थोड़ा चुस्त दुरुस्त एक्यूरेट बना लो ताकि तुसी अपना जो भी तुहाडा पार्ट है उन्हों एक्यूरेट कर सको तो गलती ना करो। फिर गलती करनी हो तो फिर मम्मी जरूर तुहानू डांटेगी, मैं नहीं कहिंदा कि मारेगी पर डांटेगी तो सही, पर तुसी मम्मा दी डांट नू भी इस तरह लो कि तुहानू वो शिक्षा दे रही है, तुहाडे जीवन नू सुधार रही है, जीवन नू अच्छा बनाउणा चाहुंदी है। तो उहदी भी उहदे कोलों डरन दी बजाय जो अगर कोई गलती हो जाए तो मम्मा नू सुना दिओ कि अज मेरे कोलों यह गलती हो गई, तो अगे वास्ते वो प्यार देणगे और तुहानू माफ़ भी कर देणगे और तुहानू गाइड भी कर देणगे। जिहड़ा पहले ही सोचदा कि मेरी प्रशंसा होए तो इहो जिही भावना तो बिल्कुल नहीं चाहीदी है। कहा जाता है नेकी करो दरिया च डालो जी, तुसी अपनी सेवा करो और जो अगर कोई प्रशंसा करता है तो उहदा एक ही ख्याल च आना चाहिए कि मेरे कोलों शिव बाबा ने अच्छा काम कराया। तारीफ उस खुदा दी जिसने सानू बनाया, उन्होंने सानू श्रीमत दित्ती ताई ते असी अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो कितना करांगे। इस करके ऑल प्रेज शुड बी गिवन टू द क्रिएटर। जी पाजी, किदां असी राजयोग नू समझे, उहदी विधि क्या हो सकती? राजयोग दी विधि है कि शरीर च सब तो उच्च तो उच्च जिहड़ी स्थान रखण वाली समझ हैगी है जिहनूं कहा जांदा है बुद्धि है, ते बुद्धि नूं अगर परमात्मा दे नाल लगाउणा तुसी सिख जाओ उहनूं कहा जांदा है बुद्धि योग, सहज राज योग, राज योग, जिस दे कारण तुसी अपने इस
पंज कर्म इंद्रियां वाले शरीर ते भी पूरा राज कर सकते हो, अपने विचारां ते भी पूरा कंट्रोल कर सकते हो, और उसके नाल नाल अपने संस्कारां नूं भी पूरा पूरा सतो प्रधान बना सकते हो। जदों तुहाडे संस्कार सतो प्रधान बन जाणगे तो तुसीं देवता बन जाणगे हो। तो मनुष्य तो देवता बन वास्ते सहज तरीका ही कि सहज राजयोग, सहज माना नैचुरल, और राजयोग सब तो श्रेष्ठ योग जिहड़ा ही वह है ही जदों तुसीं अपने आप नू आत्मा समझ और पिता परमात्मा शिव दे नाल मन लगा करके और यही सिमरति च लियाओ कि मैं शांति दे सागर, प्रेम दे सागर, पिता परमात्मा शिव दी संतान, मैं पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, सालीग्राम आत्मा हैगा। ये अगर तुसी अपने दिल च सोच करके इहदा स्वरूप बन जाणगे हो ते तुसी सहज राजयोग दी अनुभूति करनगे हो। जी पाजी, पाजी तुसी साडे इस प्रोग्राम च आए ते जिहड़े ईमेल च व्हाट्सएप जिहड़े क्वेश्चन आंदे उहदा आंसर देंदे अनुभव तरीके नाल जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मैनू मेरे दर्शकों की तरफ दे भी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सब ने जिन्हां ने प्रश्न पूछे ने मैं उन्हां दा धन्यवाद करदा ही, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी गल्लां पूछियां ही और उन्हां दा जिहड़ा जवाब सब नू उहदा लाभ मिलेगा। इस करके ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ।